Hi everyone, welcome back again. So in the very last video we've understood about the Mendel's law of inheritance. Today we will be taking the chapter forward by understanding two important topics, that is back cross and test cross. This is a new topic. You have not done this earlier in your school section, so it's absolutely new topic. Okay, I am considering that until now all the crosses, monohybrid, dihybrid cross are completely practiced by you and you very well know this कि cross कैसे करते हैं. अब वो monohybrid और dihybrid cross की pattern, F1 progeny, F2 progeny are no new concepts for you. ये सब चीज़ें अभी आती ही हैं. तो let's continue with the next part of the chapter, that is back cross and test cross. Okay, so we are studying inheritance and variation. Part 4. Okay. First thing first, let's understand what are we going to come across in test cross. See, test cross का मतलब होता है हम एक cross को test कर रहे हैं, मतलब हम verification कर रहे हैं कि हमने जो cross किया है वो सही है या नहीं. ये एक अलग तरीका था देखने के लिए कि जब हम cross के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब हमने F1 ढूंढा, फिर उसको selfing करके F2 पे गए, फिर F2 के बाद जब हमको ratio मिला, तो हम सही जा रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है. इसमें एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ली जाती है या एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ली जाती है, विच इज फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट जनरेशन. आई डू द क्रॉस फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. ओके, सी द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉल एंड वॉल्फ. Tall is capital T, dwarf is small t, जिसका F1 progeny is capital T, small t, which is heterozygous dominant. I hope इतना समझ में आया. ठीक है, अब ये F1 हेटरोजाइगस डोमिनेंट जो है ना, इसमें हम इसको वन ऑफ द पेरेंट से बैक, हम इसको वन ऑफ द पेरेंट से क्रॉस करके देखेंगे कि हमको क्या रिजल्टेंट मिलता है. सी व्हेन यू डू दिस, लाइक व्हेन यू क्रॉस इट बैक, यू आर बेसिकली टेस्टिंग इट दैट इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है, चलो लेट्स डू दैट. नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक द F1 प्रोजेनी, दैट इज capital T small t as one parent, and I'll take small t as the another parent. Okay, so when you do this, I guess in your textbook we have round and wrinkled ka example. Let's just check. Okay, what they have done is in your textbook now they have taken capital R small r wala example. I have replaced it with capital T small t because ये हमको याद रहता है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको capital T small t और small t के साथ. अच्छा, अगर हम one of the parent लेते हैं तो we are going back in the generation, तो वो हो जाएगा back cross. और अगर मैं एक normal homozygous recessive या normal homozygous dominant condition लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया, see I did the cross for this, you'll understand what I'm trying to do. मैंने क्या किया, एक नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन लिया और एक हेटरोजाइगस कंडीशन लिया, तो मुझे क्या रिजल्टेंट्स मिलेंगे. दिस इज अ हेटरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, हेटरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड. सो आई हैव टेस्टेड, दिस इज वॉट टेस्ट क्रॉस इज. ये एक पेरेंट मिला मुझे और ये दूसरा पेरेंट मिला,
विच इज 1:1 रेशियो, जीनोटाइप के हिसाब से भी और फिनोटाइप के हिसाब से भी। मेरा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इज सेम, दैट इज 1:1। समझा? जो पेरेंट जनरेशन थी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, वही जनरेशन मुझे अक्वायर हुई। कोई चेंजेस हुए इसमें टेस्ट क्रॉस में? आई हैव टेस्टेड दैट माई प्रोजेनी, दैट माई ऑफस्प्रिंग्स आर एब्सोल्युटली हेटरोजाइगस इन कंडीशन, इवन इफ दे आर क्रॉस्ड विथ एनी टाइप ऑफ होमोजाइगस। नाउ आई हैव डन दिस विथ होमोजाइगस रिसेसिव, आई डू इट विथ होमोजाइगस डोमिनेंट एज वेल। वॉट यू विल डू इज ये पूरा जॉट डाउन करोगे एग्जाम्पल, बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो कैपिटल आर वाला एग्जाम्पल है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, तो ये जॉट डाउन करना है। ईदर जॉट इट डाउन विथ मी और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जॉट इट डाउन लेटर। ओके, going to try capital T small t with capital T capital T. Okay, what progenies am I getting here? Capital T capital T, capital T small t, capital T capital T, capital T small t. So as you can see again the situation is same, that is capital T small t, which is the parent generation, are again in 1:1 ratio, that is same for genotype and same for phenotype. I hope this is understood. एक हेटरोजाइगस को किसी भी टाइप के होमोजाइगस के साथ, बी इट डोमिनेंट और रिसेसिव, इफ यू क्रॉस यू गेट 1:1 रेशियो। दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। रीजन मैंने टेस्ट क्रॉस पहले समझाया बैक के, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को नॉर्मली, बैक क्रॉस इज क्वाइट इजियर। सो आई होप टेस्ट क्रॉस इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। आई गिव अ रीडिंग टू द कंटेंट ऑफ योर टेक्स्ट बुक और वो कैपिटल आर वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस विद द होमोजाइगस रेसेसिव। मैंने यहाँ पे डोमिनेंट लिया है, पहले वाला क्या था? होमोजाइगस रेसेसिव। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस प्योर और हेटरोजाइगस हाइब्रिड। क्या टेस्ट करके मिला हमको कि होमोजाइगस प्योर है या होमोजाइगस रेसेसिव? इसको मैं रेसेसिव भी बना देती हूँ ताकि जब एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहे हैं तो सेम रहेगा। Okay, this remains same, 1:1 ratio. ठीक है, चल अब सेम टू सेम चीज मैंने जो अपना बुक का एक्सप्लेनेशन है वैसे लिख दी, सो दैट व्हेन आई रीड यू कैन कनेक्ट विद द कंटेंट। हेटरोजाइगस हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज इजी, सिंपल एंड रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल।
टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन. ये जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद व्हाट एक्सप्रेशन? डोमिनेंट. यहाँ पे डोमिनेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन है? कैपिटल टी, दैट इज टॉलनेस. बट इट इज नॉट नोन वेदर इट इज होमोजाइगस प्योर और हेटरोजाइगस प्योर. होमोजाइगस प्योर है या हेटरोजाइगस प्योर है समझ में नहीं आता. पता है कि डोमिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल अ पी प्लांट हैविंग वायलेट पर्पल फ्लावर्स इज क्रॉस विद अ पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स. सो पर्पल फ्लावर्स आर क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर्स. सो वी हैव कैपिटल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर. कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल आर. हेटरोजाइगस विद होमोजाइगस रिसेसिव. ओके. इफ ऑल द फ्लावर प्रोड्यूस्ड आर वायलेट वी कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज प्योर और होमोजाइगस. एंड इफ वी गेट वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स इन 1:1 रेशियो वी कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज हेटरोजाइगस. टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रिसेसिव ट्रेट्स इन द हाइब्रिड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ड्यूरिंग रैपिड क्रॉप मूवमेंट प्रोग्राम्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स. ओके. Now they have done this homozygous recessive with homozygous recessive. They've crossed it, and while crossing, they have taken small r with capital R small capital R. पहले दोनों homozygous condition को किया, फिर उसी के dominant phenotype को लेकर homozygous. ठीक है, करते रहें. थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है टेक्स्ट बुक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ स्टेप वन और स्टेप टू. अननेसेसरीली दे हैव कॉम्प्लिकेटेड. पहले ये स्टेप वन समझते हैं. स्टेप वन में कैपिटल आर इज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर. ठीक है. Now capital R here is purple and smaller is this is violet and this is white. Okay. इसको पहले cross करते हैं तो we get the F1. I hope this is understood. ये क्या है? Heterozygous dominant वायलेट. समझाइए, ये तो आता ही अपन को. ठीक है, अब इसको रेसेसिव से करेंगे. Capital R, smaller. So I get 1:1 ratio. समझा? Okay. But कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर में दिस रिप्रेजेंट्स हेटरोजाइगस डोमिनेंट वायलेट वेरस दिस रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव वाइट. सो दिस इज द कंक्लूजन. The conclusion is that phenotypic genotypic ratio may ratio will be 1:1, but the difference will be the genotype will show that one is violet and the other one is white. Okay, so I hope this whole concept of test cross is absolutely understood. जानबूझ के करवाते हैं ये ताकि ये जो recessive character है वो भी carry forward हो. तुमने notice किया क्या? यहाँ पर जब पहली बार cross होगा, ठीक है, अगर मैं ये क्रॉस को ऐसा बॉक्स में करूं, कर देते ना, बॉक्स में ही करते हैं.
दिस इज 100% सेम है ना। तो इसको ऐसे ही करते हैं अभी तो समझ में आएगा तुमको डिफरेंस। ये वाले डब्बे में देखो सारे के सारे हेटरोजाइगस है बट ये वाले में रिसेसिव है अपने पास, वो भी प्योर। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये हाइब्रिड को एक प्योर के साथ में, दिस वॉज हाइब्रिड, मिक्सचर वाला है ना, मिलावट है, एंड दिस इज प्योर। हाइब्रिड को प्योर के साथ में क्रॉस किया तो मुझे मेरे पनेट में वापस रिसेसिव प्योर्स मिल गए। तो जानबूझ के फार्मर्स ऐसा करते हैं, लाइक जानबूझ के द पीपल डूइंग दिस बायोटेक्नोलॉजी विल डू दिस। व्हाई? बिकॉज सो दैट जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है दे वुड मूव फर्दर, दे आर इंट्रोड्यूस्ड हियर एंड दे वुड मूव फर्दर सो दैट दिस क्वालिटी इज नॉट लॉस्ट एब्सोल्युटली। Someday when they would require only white flowers, then these flowers would be helpful. I hope you have understood the main alleged reason behind the test cross. तो ये ऐसा part 1 और part 2 में करना है। This is step 1, this is step 2. This is the pattern of your test cross. Jot it down in the same way. Textbook में क्या किया है, इधर ये डब्बे को बाजू बाजू में रखा है, arrow मारा, सब confusion है। ऐसा नहीं करना है, ऐसे लिखो एक के नीचे एक, ठीक है। चलो, we've completed the test cross, now let us move forward to back cross. Back cross book में पहले दिया है, but I told you मैंने पहले test cross करवाया है क्योंकि ये complicated है of course. Let's go to the back cross. Now in the back cross, what we are going to do is we are going to cross it with the either of the parents. See, I just read it for you. The F1 individuals obtained in a cross are usually selfed to get F2 progeny. They can also be crossed with one of the two parents from which they were derived, either recessive or dominant. Such a cross is known as self cross. एक काम करते हैं, ये वाला फ्लावर वाला एग्जांपल ही लेते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, वायलेट, क्रॉस विथ स्मॉल आर, व्हाइट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हेटरोजाइगस डोमिनेंट वायलेट। F1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि या तो इसको सेल्फ कर सकते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं टू गेट द F2, बट आज हम ऐसे नहीं करेंगे, आज हम आगे बढ़ने की जगह पीछे जाएंगे। तो पीछे जाने के लिए दो पार्ट्स कर रही हूं मैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2। इन पार्ट 1 आई क्रॉस दिस हाइब्रिड विथ होमो दिस पैरेंट, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। एंड यहां पे अगेन दिस वन विद द रिसेसिव पैरेंट। Let's see यहाँ पे भी what I'm going to get. Let's do it. Okay. Capital R, small r, capital R, capital R. यहाँ पे capital R, small r, small r, small r. चलो. Capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r. So parent number 1 जो यहाँ लिया था, parent number 2. Back cross. You have got the parent again. This is done so that you do not lose the parent generation in the hybrid situation. Because ये hybrid था, मिलावट वाला।
अगर यही आगे गया क्रॉस के लिए तो पेरेंट जनरेशन तो गायब ही हो जाएगी नेचर से, समझा। जो प्योर वायलेट है कैपिटल आर और जो प्योर वाइट है स्मॉल आर वो गायब हो जाएंगे, उनको गायब होने नहीं देना है। इसीलिए बैक क्रॉस इज इम्पॉर्टेंट, बैक क्रॉस करके वापस उनको सस्टेन करना है ताकि उनको अगली बार एज पेरेंट यूज कर सके, तुमको समझा। दही के बैच में से एक चम्मच दही को यूज करते हैं ना अगली बार के दही के लिए, पूरा दही खत्म कर दिया तो अगली बार दही जमेगा नहीं, वैसा अगली बार नॉर्मल क्रॉस के लिए ये दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इनको वापस सस्टेन करने के लिए बैक क्रॉस इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आया है और इनका सिग्निफिकेंस, बिकॉज एग्जाम में सिग्निफिकेंस के हिसाब से पूछेंगे। और ये तो ठीक है पर्पल वाइट है, मतलब टॉल ड्वार्फ में भी सेम कर सकते हैं, सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने सीखे हैं उसमें से कुछ भी कैसे भी आ सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द बैक क्रॉसेज एंड ऑल द टेस्ट क्रॉसेज। टेस्ट क्रॉस विल ऑलवेज अकर इन टू पार्ट्स बट बैक क्रॉस विल गो ओनली इन वन रिदम। ये तो मैंने दोनों के साथ करके दिखाया बट तुम एक के साथ ही करके दिखाओगे बस है, मतलब ओनली डू इट ईदर विद द डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट। दोनों के साथ नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा, ज्यादा टाइम तो कुछ लग नहीं रहा है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या समझाया मैंने, सो दैट द प्योर पेरेंट जनरेशन इज नॉट लॉस्ट। और टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या समझाया मैंने, टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस इज दैट द प्योर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिटेन्ड एंड नॉट लॉस्ट। आई डू वन थिंग, आई राइट बोथ द पॉइंट्स। ये समझ ही गया होगा अब तक। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, इट इज यूज्ड to retain or carry forward pure homozygous recessive characters. It is used to retain or carry forward pure homozygous recessive characters in the cross. Next one is back cross. It is used to retain pure homozygous dominant or recessive parent generations which can be retrieved from heterozygous F1 progeny. मैंने heterozygous F1 progeny से इनको लाया है। So I hope this is absolutely clear. It is used to retain or carry forward the pure homozygous recessive. इधर क्या था वो smaller वाला केस, characters in the case, and back cross में it is used to retain pure homozygous dominant or recessive parent generations which can be retrieved from heterozygous F1 progeny. Jot this down. Okay, so with this we've completed
the back cross and test cross, and with this we have completed the main inheritance of Mendel. Now in the next video onwards we shall be understanding all the deviations from the Mendel's law. Not all genetic laws are related to Mendel. Mendel ke alawa bhi duniya hai, jo duniya hum next video se dekhenge. So right now jot this down and practice, keep practicing all the crosses. Okay, take care.